अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रज़ी अहमद और आज हम यहाँ किशनगंज लोकसभा के अंदर कदम चौक में मौजूद हैं। जी हाँ दोस्तों, इस समय हम कदम चौक में मौजूद हैं और यहाँ पे लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि 2019 का जो इलेक्शन होने वाला है तो लोगों का क्या मिजाज है इस बार अफजल ईमान साहब को लेके और MIM पार्टी को लेके, किस तरह से लोग जागरूक हैं और क्या अफजल ईमान का साथ देंगे, MIM का साथ देंगे यहाँ के लोग। मैं बात करने की कोशिश करूँगा तमाम लोगों से। यहाँ पे अगल बगल दुकानदार है तो इस समय दुकानदार ही हैं और इनका देखिए काफ़ी अच्छा दुकान भी है। मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा, ये कदम चौक में ही इनका दुकान है, बात करने की कोशिश करूँगा। जी इस बार जो MIM मुस्लिमीन और उनके जो कैंडिडेट हैं अफजल ईमान साहब, उनके बारे में क्या राय रखते हैं, क्या लगता है कि वो जो अगर MP जीत जाते हैं तो क्या आपके सपनों का सीमांचल बनाने के लिए आगे बढ़ सकते हैं या फिर बना सकते हैं? जी जी बिल्कुल बना सकते हैं, इसलिए कि मैं उम्मीद भी करता हूँ जी कि इंशाल्लाह वो काम करेंगे अच्छी तरह से जी लगा के जी। और एक अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं जी और इल्म की कदर करते हैं हम उनके, और इसलिए बात पर जो है हम लोगों के पास भी जो है प्रचार कर रहे हैं, प्रचार प्रसार उनके लिए कि वो अच्छे कैंडिडेट हैं, एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो इसलिए जो है उनके लिए रहनुमाई किया जाए, उनके साथ जो है कंधे से कंधे मिलाकर तो उनको सपोर्ट किया जाए है, ताकि हमारे मुस्तकबिल ज़माने में वो काम आए, हमेशा काम आए। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जनाब अख्तरुल ईमान साहब हमारे लिए, हमारे भविष्य के बारे में, हमारे मुस्तकबिल के बारे में अच्छी सोच पैदा करेंगे और इलाके में विकास पैदा करेंगे। क्या नाम हो गया आपका? मोहम्मद नईमुद्दीन कादरी। मैं यहाँ पे ये कदम चौक में एक मोबाइल का शॉप है, मैं यहाँ पे कुछ लोग और भी बैठे हुए देख सकते हैं, तो इन लोगों से मैं जानने की कोशिश करूँगा जो अभी लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो पार्टी है MIM पार्टी ओवैसी साहब की, तो यहाँ कैंडिडेट अफजल ईमान साहब है लोकसभा के, तो क्या सोचते हैं आप अफजल ईमान साहब को इस बार वोट डालेंगे? सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि अस्सलाम वालेकुम। देखिए ये अभी MIM कुमार उसको बहुत पहले से मुझे जानते हैं, समझे, कैंडिडेट तो बहुत सुपर है, लेकिन कहना चाहेंगे ये बात कि यहाँ और भी कैंडिडेट है और अख्तरुल ईमान बहुत अच्छे नेता है और वो चाहेंगे कि थोड़ा सा इधर भी आके सपोर्ट करें हम लोग को, और उनके लिए तो वोट यहाँ भी है, ऐसी बात नहीं कि जितने पार्टी होती है सब किसी को एक पार्टी में वोट नहीं मिलता है, सब किसी को वोट मिलता है। आप अपनी राय बताइए। जी इंशाल्लाह जरूर डालेंगे। जी जी क्या राय रखते हैं 2019 में? हमारा राय इनका सपोर्ट कर रहे हैं, हम सपोर्ट कर रहे हैं क्या? ठीक है, वैसे हमारा जाना पहचाना नेता है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया नेता। हाँ चौक में दबार सुब्जापुरी बिरादरी में कोई अगर लायक है तो बस अफजल ईमान साहब है, इससे और कोई नहीं, कोई लायक नहीं है, उससे उम्मीदें हैं हमको। हाँ दे दूँ ना। 100 ग्राम बानवे कम है।